नमस्कार, मैं हूं दिनेश कुमार और आज मैं आपको ले आया हूं बीकानेर के आनंदगढ़ में। और ये बीकानेर से लगभग आपको 3 घंटे का रास्ता है, जो कि आप गवर्नमेंट या प्राइवेट बस या खुद की गाड़ी है तो भी जा सकते हो। रास्ता आपको मैप में दिख रहा होगा, 3 घंटे का राइट रास्ता है और ये पाकिस्तान की बॉर्डर पर पड़ता है आनंदगढ़ गाँव। और मैं अभी हूँ बाबूदान जी के ट्रैक्टर पर। बाबूदान जी प्रेमदान जी के लड़के हैं और हमारे साथ है फ़िलहाल गैमरदान जी, जिनका भी यहाँ पर खेत है। वो बाड़मेर के निवासी है और यहाँ पर आप भी अपनी ज़मीन ले सकते हो गवर्नमेंट से। और जो ट्रैक्टर पे हम जा रहे हैं बाबूदान जी का है और हम इनके खेत में जा रहे हैं। और इनका यह भी कहना है कि हमारा थोड़ी सी ज़मीन है जो बाउंड्री है पाकिस्तान की और हिंदुस्तान की, जो जाली की गई है वो हिंदुस्तान में की गई है, ना कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में। इसलिए उनका कहना है कि थोड़ा सा खेत हमारा उस साइड भी है जाली के, जो कि तारबंदी की गई है, तो वो तारबंदी भी हम आपको दिखाएंगे। तब तक के लिए ये रास्ता है जो कि पाकिस्तान बॉर्डर की साइड जाता है। ये सारे रेतीले दौरे हैं और रेतीले दौरों से होते हुए हम जा रहे हैं इनके खेत। आसपास में बहुत सारे फॉग है, खींप है और यहाँ के जो जंगली पौधे हैं वो उगे हुए हैं। यहाँ पर इंदिरा गांधी नहर आती है जो कि फ़िलहाल अभी तो बंद है, पूरी सूखी पड़ी है। इसके कारण यहाँ के किसानों ने डिग्गी होती है उसमें पानी भर रखा है, वो डिग्गियाँ भी हम आपको दिखाएंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे इस वीडियो पर। और अभी तक लाइक शेयर और कमेंट नहीं किया है तो सबसे पहले कर दीजिए लाइक और शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ऐसे ही आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। यह पहुंच चुके हैं हम इनके खेत और इनके खेत में इनका घर भी बना हुआ है। यह हम एक तरीके से कहे तो हिंदुस्तान की एकमात्र गांव है जो लास्ट बना हुआ है पाकिस्तान की बॉर्डर पर, एकमात्र गांव। और यहां पर इनके भाई रहते हैं बड़े वाले पूरी फैमिली के साथ और ये यहां पर खेती करते हैं। इनके खेत में क्या क्या बोया हुआ है वो भी हम बात करेंगे। इनके घर के चारों तरफ बाउंड्री की गई है। यहाँ के लोग ज़्यादातर पशुपालन करते हैं और उससे भी ज़्यादा यहाँ के लोग खेती करते हैं, खेती पर ज़्यादा निर्भर है। और यहाँ बाउंड्री नहीं, तारबंदी हमें अपने सामने दिख रही होगी। देखिए ये तारबंदी है पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में। अभी पाकिस्तान बॉर्डर पर है और ये पाकिस्तान के बॉर्डर के नज़दीक का एक घर या ढाणी कहे, जो कि इस खेत में बनी हुई है फार्म हाउस में। ये प्रेमदान जी का खेत है फार्म हाउस और हमारे साथ प्रेमदान जी के लड़के हैं बाबूदान जी और गैमरदान जी। फिलहाल हम बॉर्डर के सबसे नज़दीक में जो खेत है, ये खेत आधा बॉर्डर के उस साइड भी है, थोड़ा सा उस साइड भी है, पर ज़्यादातर जो खेत है वो हमारे इंडिया के साइड ही है। और यहाँ पर काम चल रहा है, सौर ऊर्जा प्लांट है ज़्यादातर यहाँ पर लगे हुए, जिससे ट्यूबवेल वगैरह या डिग्गी में जो पानी है वो काम में लिया जाता है। और ये खेत ज़्यादातर इनकी बुआई नहर से ही होती है, ट्यूबवेल का इतना संचालन है नहीं यहाँ पर। आप मेरे पीछे की साइड ये बॉर्डर की लाइन देख सकते पूरी, और यहाँ पर दोनों साइड चेकपोस्ट बनी हुई है। यहाँ पर एक आर्मी का घर भी बना हुआ है पूरा, उसे क्या कहेंगे हम, चेक पोस्ट कहे या छोटी सी एक बिल्डिंग कहे। इस साइड एक चेक पोस्ट है और वो पाकिस्तान का एरिया है पूरा, आप जो देख रहे हो उस साइड भी पूरा पाकिस्तान है।
और ये तारबंदी जो हुई है ये हमारे इंडिया की तारबंदी है जो इंडियन आर्मी ने कर रखी है। पाकिस्तान की आर्मी ने कोई तारबंदी नहीं कर रखी है क्योंकि उनके पास इतना बजट ही नहीं है। और यहाँ पर पाकिस्तान की गाय है वो चर रही हमें यहाँ से साफ दिखाई दे रही है, जो कि पाकिस्तान की गाय है। और आगे ये एक डिग्गी है जिसमें यहाँ के किसान है वो काम कर रहे हैं और सौर ऊर्जा प्लांट लगा हुआ है। डिग्गी में पानी भरा हुआ है, फिलहाल आपको दिखाते हैं। पूरे यहाँ पर पाइप बिछे हुए हैं जिससे कि खेत के अंदर पानी, फसल को पानी पिलाया जाता है बुआई, और उसके बाद पानी का जो धाम झाम है वो इन्हीं लड़ों से होता है, पाइप से। पाइप को आप देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये पाइप ढक दिए गए हैं इनके खुद के द्वारा, पर ऐसा नहीं है। ये यहाँ पर इतनी रेत उड़ती है रात के समय जिससे कि ये पाइप देखिए आप ढक चुके हैं, अपने आप ही ढक चुके हैं, ना कि इन्होंने ढके हैं। ये पूरे देखिए, ये पूरे ढके हुए यहाँ पर, ये पूरा बना हुआ है टैंक, टंकी कहे बड़ी सी या टैंक है, टैंक पानी स्टोरेज करता है यहाँ पर ये। और फिर जब बुआई होती है खेत की तो इन लड़ों से, इन पाइपों से पानी पिलाया जाता है फसल को, और वो सौर ऊर्जा प्लांट को उठा के खेत में डाला जाता है। यहाँ पर काम कर रहे हैं, खेत जाइए तारबंदी हो गई, उनकी अलग अलग खेत है वो अपनी तारबंदी कर रहे हैं। मैं आपका तारबंदी कर रहे हैं, ये आपका खेत है, ये अपने खेत की तारबंदी कर रहे हैं। ये पानी पीने आते हैं? ये भेड़ बकरी किसकी आपकी है? नहीं, हमारे परिवार की। अच्छा, परिवार वालों की। कितनी होगी लगभग ये? 250। 250 आपके परिवार वालों के ना? सारी ये पशुपालन पे ही चलता है इनका? हाँ, इधर खेती और पशुपालन दो ही धंधे, और दो ही धंधे और कुछ नहीं। नहर का पानी आता है इधर, स्टोरेज करके रखते हैं, फिर जब फसलों की बुआई होती है उसी टाइम फसलों को पानी पिलाते हैं, और सौर ऊर्जा से ही सब चलता है। सौर ऊर्जा से सब चलता है, वो वगैरह बिजली वगैरह है नहीं, बिजली वगैरह या नहीं। और ये पाकिस्तान की बॉर्डर इस साइड आप देख सकते हो, पूरी तारबंदी हो रखी है। पाकिस्तान की गाय है जो कहीं चल रही है। क्या नाम है ये लगा रहे तार वगैरह अपने खेत में? और ये आ गए जो इनकी भेड़े हैं। राम राम जी, क्या नाम है जी आपका? क्या नाम बताएं? विश्वीदान जी है, इनकी भेड़े हैं। पानी पी रहे हैं यहाँ पर, चलते हैं और खेत दिखाते हैं आपको। यहाँ पर क्या अभी बुआई क्या कर रखी है फसलें में? मूंगफली है बस, मूंगफली की फसलें बोई रखी है। मूंग है, बारिश की बहुत कमी हो रही है यहाँ पर, किसी भी साइड नहीं है। बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर में किसी भी साइड बारिश नहीं है। पीने के लिए वहाँ से पानी लाते हैं। ये बॉर्डर है पूरी भारत पाकिस्तान की, तारबंदी हमारे इंडिया की तरफ से हो रखी है और पाकिस्तान की तरफ से कोई तारबंदी नहीं। अगर एक बार एक दो बार बरसात हो जाए तो ये मूंगफली फसल बहुत बढ़िया हो जाएगी। यहाँ पर मौसम बनता है बरसात का, फिर से बिखर जाता है। दो तीन दिन से ऐसा ही चल रहा है लगातार।
ये नहर के खाड़े बने हुए हैं जो कि बालू रेत यहाँ पर आ चुकी है, उसके कारण ये ढक चुके हैं पूरे। अभी नहर में फिलहाल पानी नहीं आ रहा है, तो पूरे आप खाले देख सकते हो रेत से भर चुके हैं पूरे के पूरे। वो पाकिस्तान की गाय चर रही है यहाँ पर। लाइटें लगी हुई बॉर्डर पे, पूरी जगह जगह पे पूरी बॉर्डर कवरेज करती है लाइटें। चेक पोस्ट है, हुआ जान हरो पाकिस्तान बॉर्डर के पास बुआई हो रखी है मूंग की, और उस साइड पाकिस्तान की गाय चर रही है। यहाँ से आपको कैमरे में साफ दिखाई दे रहा होगा, ये आपको जो गाय दिखाई दे रही है पाकिस्तान की है, जो कि यहाँ पर चरने आती है। सिर्फ गाय आती है, इनके साथ कोई इनका ग्वाला है वो नहीं आता है। और बॉर्डर के नज़दीक में सारी लाइटें लगी हुई है जो कि रात को यहाँ पर जलती है। इलाके में ज़्यादातर खेजड़ी के पेड़ हैं, और इसकी खेजड़ी की छाया भी बहुत अच्छी रहती है। और खेजड़ी में लगने वाली सांगरी है जो कि पूरे राजस्थान में प्रसिद्ध है इसकी सब्जी, और ये जो महंगी बहुत महंगी मिलती है जिस टाइम सीजन होती है, जब ये होती है तो बाज़ार में इसका जो भाव वो अलग अलग होता है। जब सूख जाती है तो उसका भाव अलग होता है, और जब ये हरी रहती है तो उसका भाव अलग रहता है। 200-400 रुपये किलो के प्रति बिकती है बाजार में। यहाँ पर सबसे ज्यादा खिचड़ी के पेड़ मिलेंगे खेत में आपको। और इस साइड ये सब मूंगफली की खेती हो रखी है। यहाँ पर अभी पानी नहीं आ रहा है, इसी कारण मूंगफली बहुत छोटी रह गई है। अगर पानी आ जाता तो ये मूंगफली बहुत ही अच्छी बन जाती, फसल इसकी बहुत अच्छी हो जाती। अब इसको आप पानी पिलाओगे ना, नहर में आएगा तब पिलाओगे। पानी की बहुत दिक्कत है यहाँ पर, अगर पानी आ जाए तो फसल अच्छी हो जाती है, और ना आए तो जाए नहीं यहाँ पर। इस साइड ये आप देख सकते हो फॉग के लगे हुए, ये सारे फॉग हैं, फॉग है। और यहाँ पर खीप है जो कि यहाँ की नोकल भाषा में खीप बोलते हैं। यहाँ पर वो झोपड़ी के ऊपर छत बनाने के लिए, और नॉर्मल कमरों में भी छत बनाई जाती है खीप की, जिससे कि कमरे बहुत ही ठंडे रहते हैं और उसके अंदर ठंडी हवा भी आती है। खीप जो लगे होते हैं, खीप पहले उनको काटते हैं
फिर खेत को सुखाया जाता है, ऊपर भारी चीज वगैरह रख के या पत्थर रख दे या कुछ लकड़ वगैरह रख दे, फिर उनको सुखाया जाता है, फिर लगाए जाते हैं। या आप जैसे कटिंग की है वैसे ही एक साइज की कटिंग करके गीले भी लगा सकते हो। ये लगाने से, खेप लगाने से घर है या कमरा है या जो चुप्पा बना दिया बहुत ही ठंडा रहता है अंदर से। और यहाँ पर जो इस इलाके में ज़्यादातर ढाणियाँ बनी हुई है वो खेप से ही ऊपर छत वगैरह बनी हुई है और उसके ऊपर प्लास्टिक दे देते हैं जिससे कि बरसात के समय में अंदर पानी ना आए, और उसके ऊपर भी लेप वगैरह कर देते हैं, मिट्टी हो गई या मिट्टी और गोबर मिक्स करके उसका लेप हो जाता है जिससे घरों में पानी नहीं आता है। ये पूरा रेगिस्तान का इलाका है, यहाँ पर रेत बहुत उड़ती है जिससे अगर आप यहाँ पर सो जाओ सुबह आपके ऊपर बहुत सारी रेत राली के ऊपर भी मिल सकती है अगर ज़बरदस्त लू या आंधियाँ चल रही हो तो। अगर बरसात का समय है तो ये बालू रेत है वो नहीं उड़ेगी, पर जब गर्मी का समय आता है और लू या आंधियाँ चलती है तब यहाँ पर बहुत सारी रेत उड़ती है और अपने आप ही यहाँ पर टिब्बे या धोरे होते हैं, वो धोरे बन जाते हैं अपने आप ही। ये धोरे आप देख सकते हो, बने हुए सारे अपने आप ही बन जाते हैं।